जय हिंद भारत दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जे एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में तो मैं आपको बता दूं बहुत दिनों से जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से क्वेश्चनिंग आ रही थी कि कब तक हमारे जो एडमिट कार्ड्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे तो फाइनली दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो एच ने अपने एक नोटिफिकेशन में शेयर करी है नोटिफिकेशन में क्या कुछ चीज़ें लिखी गई हैं उसके अलावा आप अपने जो एडमिट कार्ड्स है वो कैसे डाउनलोड कर पाओगे तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो लिंक है वो कल ही एक्टिव किया जाएगा जो आपके एडमिट कार्ड्स है वो वैसे तो अपलोड कर दिए गए हैं लेकिन दोस्तों इसका जो लिंक है वो आप सभी के सामने कल से ही शो होगा जो जो चीजें हैं उन्होंने अपनी जो नोटिफिकेशन है उसमें भी लिखी है सबसे पहले नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे आपने टाइप करना है एच पी उसके अलावा दोस्तों जैसे ही आपने सर्च करा होम पेज आपका ओपन हो चुका है आपने होम पेज जैसे ओपन करा तो आप फाइनली इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर पहुंच गए हो सबसे पहले नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों जो आपकी पहली नोटिफिकेशन है उसको आपने डाउनलोड करना है क्लिक किया और यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा जैसे आपने डाउनलोड किया दोस्तों तो यहां पे अब हम रीड करेंगे क्या कुछ जो चीजें हैं वो यहां पे लिखी गई हैं तो देखिए दोस्तों क्या कुछ चीजें लिखी गई हैं जो आपका ये जो सेशन है दो हजार तेईस पच्चीस उसके जो एडमिट कार्ड्स है वो यहाँ पे इसका जो लिंक है वो आप सभी के सामने कब कब से शो होगा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है छे छे दो हजार तेईस और यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है आपकी जो एग्जाम डेट है वो दस 2023 दो हजार तेईस तो यहां ऑफिशियली जो ऐसे कैंडिडेट्स है जो कि बार बार बोल रहे थे हमारा जो एग्जाम है अठारह को होगा उन्नीस को होगा बीस को होगा उनको भी यहां पे आंसर मिल गया है जो आपका ये जो एग्जाम है वो दस छह दो हजार तेईस मीन दस जून को ही ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा तो ये जो डाउट है वो आपके क्लियर हो चुके हैं अभी दोस्तों हम जानेंगे कि कल किस तरह से अपने जो एडमिट कार्ड्स है वो आप डाउनलोड कर पाओगे तो सबसे पहले दोस्तों आपने इसी तरह से जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आना है उसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर सीई और वैकेंसी जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे अभी लिखा गया है सीई टी डीएल ठीक है दोस्तों आपने ओपन किया तो देखिए दोस्तों जैसे आप यहाँ पे ओपन करोगे उसके बाद दोस्तों क्या होगा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा अपने जो यहाँ पे एडमिट कार्ड्स हैं उनको डाउनलोड करने का फिलहाल ये जो लिंक है वो यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ है जैसे एक्टिव हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आपने अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है आप इजीली जो अपना एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर पाओगे उसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये जो आपका एडमिट कार्ड है दोस्तों आपने यहाँ पे चीजों को ध्यान स होना है जे जो आपका एडमिट कार्ड है आपने इसको प्रिंट निकलवाना है इसका जो प्रिंट है वो निकलवाना है क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास एडमिट कार्ड होगा इसका प्रिंट होगा तभी आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने दिया जाएगा उसके अलावा दोस्तों एक और इंफॉर्मेशन है इस बार जो आपका कंपटीशन है वो पहले के मुकाबले कम ही रहेगा जो जो चीज़ है मैं आप सभी के सामने क्यों बोल रहा हूँ देखिए दोस्तों पिछली बार जो आपके कैंडिडेट्स थे वो लगभग बीस के करीब थे जिन्होंने ये जो आपका एग्ज़ाम है वो दिया था इस बार जो कैंडिडेट्स है दोस्तों आपने भी इंफॉर्मेशन पढ़ी होगी यहाँ पे पंद्रह या समथिंग कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से दो या समथिंग के जो एडमिट का जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है उनको रद्द किया गया है तो कहने का मीनिंग दोस्तों यहां पे यह है कि टोटल मिला के आपके जो कैंडिडेट्स हैं, बारह हजार के करीबी ऐसे कैंडिडेट्स रहेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम दे पाएंगे उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जो कि एबसेंट भी रहते हैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी रहते हैं जो कि यहाँ पे एग्ज़ाम तो दे देते हैं लेकिन आगे का जो प्रोसेस है उसमें वो हिस्सा नहीं लेते तो कहीं ना कहीं इस बार जो आपका कंपटीशन है वो कम ही रहेगा तो दोस्तों ये जो चीज़ें थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करनी थी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बाकी दोस्तों जो अपने एडमिट कार्ड्स वगैरह है वो आपने कल ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करने हैं तो थैंक यू जय जय भारत जय हिमाचल